आज की हमारी रेसिपी है इंस्टेंट सूजी हलवा, जो सिर्फ 10 मिनट में बनके तैयार हो जाएगा। इसके लिए मैंने सूजी को पहले से ही भून के रख लिया था। बस एक बार मैं गर्म कढ़ाई में इसको डाल के हल्का सा और रोस्ट कर रही हूँ। हल्का सा भून लिया है मैंने इसको, और अब इस भुनी हुई सूजी में मैं यहाँ पर डाल रही हूँ 3 चम्मच घी। तो यहाँ पे मैंने प्योर घी लिया है, शुद्ध घी लिया है देसी, और इसको मैं अब इसमें अच्छे से घी में सूजी को मिला रही हूँ। तो हमारी ये सूजी अच्छे से मिल गई है घी में, और अब इसमें मैं डालूँगी गरम उबला हुआ पानी। तो यहाँ पर मैंने पानी लिया है और इसमें सूजी में ऊपर से डाल दिया है गर्मा गर्म। और इसकी खासियत ये है कि जब हम इसमें पानी डालेंगे गरम, तो इसमें लम्स नहीं पड़ेंगे। उबला हुआ पानी डालने से जो सूजी है वो अच्छे से फूल जाती है और हमारा हलवा दानेदार बनता है। कम घी से और कम समय में झटपट हलवा बनाने का ये सबसे अच्छा तरीका है। ज़्यादा देर किचन में खड़ा भी नहीं होना पड़ता, और बच्चों या बड़ों की फरमाइश में आप इसे झटपट बना भी सकते हैं। ये देखिए, ये गाढ़ा हो गया है। अब इसमें मैं चीनी डाल रही हूँ। तो चीनी डाल के हम इसको अच्छे से हिलाएंगे, और ये एक बार फिर से हमारा हलवा पतला हो जाएगा, क्योंकि चीनी जो है वो मेल्ट होगी। तो इसको हमने लगातार हिलाना है। अब इसमें मैं ग्रेटेड कद्दूकस किया हुआ नारियल डाल रही हूँ। तो ग्रेटेड कोकोनट मैंने इसमें डाला है। अब मैं इसमें डालूंगी किशमिश। ये देखिए, ये हमारा हलवा पतला हो गया है, चीनी अच्छे से हमारी पिघल गई है। अब ये हमारा हलवा गाढ़ा होना शुरू होगा, तो हम इसको अब लगातार हिलाएंगे। यहाँ मैं बारीक कटे हुए बादाम डाल रही हूँ, और इसको हम लगातार हिलाते रहेंगे। ये देखिए, ये हलवा बनना तैयार हो गया है। तो कितनी झटपट हमारा ये हलवा बन जाता है। बस इसे हम 2 से 3 मिनट और हिलाएंगे और हमारा हलवा बनके बिल्कुल रेडी हो जाएगा। इस हलवे को बनाते समय हमने कितनी कितनी क्वांटिटी में क्या क्या सामान लिया है, कितनी मात्रा ली है, वो मैं इस वीडियो के लास्ट में आपको बताऊंगी। तो इस तरह से हमारा दानेदार हलवा बिल्कुल बनके रेडी हो जाएगा सिर्फ 10 से 12 मिनट के अंदर। तो ये देखिए कितना दानेदार हलवा हमारा बना है। मैं कढ़ाई से इसको बाउल में ट्रांसफर कर रही हूँ। तो जब भी आपका मीठा खाने का मन करे, 10 से 12 मिनट के अंदर ये आप हलवा बना सकते हैं बहुत आसानी से। बस इसके लिए आपने सूजी को भून कर रखना है एयर टाइट कंटेनर में। अब ये हमारा हलवा बिल्कुल गर्म है, तो मैंने इसमें 1 टेबल स्पून घी डाला है। 3 टेबल स्पून घी हमने पहले डाला था। अब मैं इसमें कद्दूकस किया हुआ नारियल डाल रही हूँ, और ऊपर से मैं डालूंगी इसमें किशमिश। आप चाहे तो कोई भी ड्राई फ्रूट ले सकते हैं, जैसे मगज हो गया, चिलौंजी हो गई। और लास्ट में मैं इसमें डाल रही हूँ बारीक कटा हुआ बादाम। इसमें जो मैंने ऊपर से 1 चम्मच घी डाला है, वो भी हमारी मर्जी है। अगर हम डालना चाहें तो डाल सकते हैं, टोटली ऑप्शनल है वो भी। कोई भी इसे देखकर नहीं कह सकता कि ये 3 चम्मच घी से हलवा बना है। चम्मच भी हमने टीस्पून ली थी, टेबल स्पून नहीं ली थी, और झटपट बन गया है हमारा हलवा। तो चलिए बताती हूँ मैं अब इसकी क्वांटिटी कि हमने कितनी मात्रा में क्या क्या सामान लिया था। यहाँ पर मैंने लिया था लगभग 1 से 1.25 कप सूजी, और 3 चम्मच घी, और 1 चम्मच हमने ऊपर से डाला था, तो टोटल 4 चम्मच घी। सूखे मेवे में मैंने लिया था बादाम, 7 से 8 बादाम आप ले सकते हैं। किशमिश के 10 से 12 दाने। पानी मैंने लिया था यहाँ पे 2.5 कप, जो आधा लीटर के करीबन था। और चीनी 1.5 कप, आप चाहें तो चीनी को बढ़ा या घटा भी सकते हैं। और 4 से 5 चम्मच कद्दूकस किया हुआ नारियल। दिखाए गए तरीके से भी आप अपने हलवे की प्रेजेंटेशन कर सकते हैं, और आप चाहें तो इसके ऊपर बादाम रख सकते हैं, अलग से ऊपर से ड्राई फ्रूट रख सकते हैं। तो मैं यहाँ पे चॉप्ड बादाम है मेरे पास, मैं इस पे के ऊपर रख रही हूँ। ये देखिए, खुशबू के लिए आप इसमें केवड़ा एसेंस या इलायची का एसेंस डाल सकते हैं, या इलायची के दाने को बारीक कूट के डाल सकते हैं। मैं उम्मीद करती हूँ आपको ये इंस्टेंट सूजी हलवा पसंद आया होगा। मिलते हैं फिर कुछ ऐसी ही इजी यम्मी हेल्थी रेसिपीज के साथ। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, या आप मेरे चैनल पर नए हैं, तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कर दीजिए, और पास ही लगे बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें,
जिससे आने वाली नई वीडियोस के नोटिफिकेशंस आपको आसानी से मिलते रहेंगे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग क्रिएटिव क्राफ्ट्स एंड इनोवेटिव फूड हैक्स। थैंक यू।